कलिंग स्टेडियम रे हाई वोल्टेज टक्कर भारत वेल्स मध्य रोमांचक लड़े प्रथम दुई क्वार्टर रे वेल्स को चापरे रखिला भारत। ह्युमान सागर को विरोध में पत्नी संगीन अभियोग जौतुक दावी से धर्म परिवर्तन पर पकाते चाप अन्य जन युवती संपर्क में अभियोग ह्युमान को मां कहले मद पिए बोहू सबु अभियोग मिछ। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर पाइबा को किए योग्य भंगा ददरा घरे कटुचे जीवन ऋण से नहीं सेकेंड हैंड बाइक तालिकार बाद दिन मजुरिया ना भी ना तालिकार उठला प्रश्न क्या मिल मागणा घर मागणा चाउल श्रेय नेबाकु बीजेपी जोरदार प्रस्तुति विरोधी दल कहले पीडीए सेंटर में लगे मोदी फटो या बैनर बीजेडी कहला निर्वाचन वर्ष में बीजेपी बादीपालार पड़े प्रभाव। कॉपी फिल्म को पुरस्कार दे फसीगला राज्य संस्कृति विभाग चलचित्र पुरस्कार तालिका को रद्द कले हाइकोर्ट मासक मध्य नुआ तालिका प्रकाश पर निर्देश रिमेक फिल्म को पुरस्कार पर चयन कर दर्शाई कोर्ट जाते निर्देशक बबी इस्लाम। कुस्ति महासंघ सभापति हटावा दावी अटल कुस्ती योद्धा द्वितीय दिन में भी आंदोलन क्रीड़ा मंत्रालय अधिकारी आलोचन बाहर निष्कर्ष सेपटे केन्द्र क्रीड़ा मंत्री कहले खेलाड़ी अभियोग गंभीर। सरोगेसी आणब संतान सुख बाहर राज्य को जीवे ना निसंतान दंपति खूब शीघ्र ओडिशार उपलब्ध हो भड़ारे गर्भधारण सुविधा सरोगेसी केन्द्र और एआरटी बैंक बारोटी संस्थार आवेदन। हाई वोल्टेज मैच आज भारत को वेल्स जितेबले भेटू ठीक रोमांचकर मैच होने गोटे बड़ खबर सामना को आसू प्रथम दुई क्वार्टर में वेल्स को चापरे रखिला भारत। तेज कलिंग स्टेडियम आज भारत खेल नहीं बे उत्साहित रही खेल प्रेमी मैंने भारतीय खेला पक्षर दमदार प्रदर्शन जारी रही तेज प्रथम दुई क्वार्टर में वेल्स को भारत चापरे रखी नहीं गोटे बड़ खबर सामना को आसू भारत पक्षर आकाशदीप सिंह और शमशेर सिंह प्रदर्शन भल रही तेज हॉकी विश्वकप भारत वेल्स मध्य रोमांचकर मैच भितर गोटे भल खबर सामना को आसू जे भारत वर्तमान समय रे लीड करुच्छी अर्थात वेल्स को भारत चापरे रखी भारत पक्षर तृतीय गोल कले आकाशदीप सिंह तेरे वेल्स विपक्ष में तीन दुई गोल रे भारत आगुआ रही जमापड़ तेरे कलिंग स्टेडियम मैच चली बेले बे रोमांचकर मैच बोली कह तेरे दुई खेला समस्त नजर रही है जिते बने गोल देते तेरे अं दल खेल जो दिन रही खेल प्रेमी मध्य से उत्साह रही है किंतु भारत प्रदर्शन जो दिन रोच विशेषकर से दिन भारत भारत जो खेल प्रेमी मैंने रही विशेष नजर रोच आदि हॉकी कथा कह आशार जिते बड़े द्वितीय थर पर हॉकी आयोजन करते मटी में हॉकी खेल देखापी ओडिशावासी मध्य बे उत्साह बढ़ी जाए आम प्रतिनिधि लोकनाथ आम सहित जोड़ी होती लोकनाथ आम अन्य दिन मानक अन्य दल खेल देखीचे किंतु एसबू भितर आज जितेबाला भारत खेल रोच समस्त नजर रही कहुला हे तो प्रथम भारत चापरे रहीपे कि जहाँ खबर आसूचे वेल्स को केमी भारत चापरे रखी निजे केमी लिड करुच्ची आम कहीपर जे दल क्वार्टर फाइनाल सामिल होगापी विजय अभिमुखे अच्छी देखो लिपि निश्चित मुझे ताजा सूचना देवाई चाहूँगी भारत चार दुई रे ए मैच को जीति सारी बड़ खबर भारत चार दुई रे मैच को जीति सारी कि आपको चाहूँगी वेल्स रो कहानी समस्त जानते कौन भाव पब्लिक जो फंडिंग करके गोटे दल विश्वकप खेल आसार डेब्यू विश्वकप अर्थात विश्वकप्रे प्रथम थर पर सामिल होती कलिंग स्टाडियम भारत मैच जीति सत कि वेल्स हृदय जीति समस्त वेल्स जो भाव खेल प्रदर्शन कर निश्चित भाव में समस्त हृदय जीति आउ बर्तमान ताजा खबर मुझे बड़ खबर कौन भारत मैच जीति सारी चार दुई गोल आज भी से सामान प्रसंग पेनाल्टी कर्णर को कनवर्ट कर नपर भारत पेनाल्टी कर्णर को कनवर्ट कर पार्लानी आठटी जो कह सतोटी पेनाल्टी कर्णर भारत पाई से गोल कह कनवर्ट रही अर्थात 50% भी मैंने पेनाल्टी कर्णर को कनवर्ट कर पार्नि गोल सब बड़ दुखर कथा कहवाक चाहिए हरमनप्रीत सिंह दलर अधिनायक जे सब गोटे बढ़िया ड्राग फ्लिकर जी 2022 38 गोल कर जहाँ नाँ 38 गोल अच्छी
यही भाव में पेनाल्टी कर्नर सी मिस करुंज गोलकोस्ट पर्यटन भी बल जापना अमन हरमनप्रीत सिंह कथा कहतु अमित रोहित दास पेनाल्टी कर्नर मिस कर ललित उपाध्याय डी सेप बल खाली रोच ओपोनेंट टीम प्लेयर नहांती तथापि जो गोलकीपर रोची ताकू बॉल क्रॉस करके गोलकीपर भीतर को जाई पारुनी तेणु भारत जो खेल जो भाव कहुला टीम जो भाव प्रदर्शन करता मुझे आउ गए सूचना दूसरी एफआईएस प्रो लीग कलिंग स्टेडियम होता है ये आम खेल देखीचु जो भारतीय टीम एफआईएस प्रो लीग कलिंग स्टेडियम दमदार प्रदर्शन करुला जो भाव में कलिंग स्टेडियम दबदबा बजाय रखुला से ही भारतीय टीम खेल ये देखा मिलूनी जदि कह एफआईएस प्रो लीग अपेक्षा जो भारतीय दल विश्वकप खेलुची जो कह नैराश्यजनक प्रदर्शन करुच्ची हूँ तो जो गोल मार्जिन आहरी अधिक होगा कथा जो भाव में फिल्ड गोल मिस कर पेनाल्टी कर्नर मिस कर दलर जो फॉरवर्ड खेला मैंने जो अच्छा डिस बॉल को पेनाल्टी कर्नर कन्वर्ट कर पार ना ये सब बड़ा दुखर कथा आज जो भाव में आगुरी आलोचना करते जदि भारत डायरेक्ट क्वार्टर फाइनाल को सीधा साल जाता जो भारत आज आठटी गोल करता भारत आज चार आठटी गोल करता लोकनाथ आपड़ अन्य दिगक जाए आलोचना करूँ आउ गोट कथापर जे भारत जीति वर्तमान समय गोटे बड़ खबर सामना को आसू कि पूर्व कहु भारत उपर गोटे चाप रही पारे जेहेतु भारत को नहीं आशा अधिक रही खेल प्रेमी मानकर आ पुणी द्वितीय थर पर जितेबाड़ ओडिशारे ए खेलटी आयोजन कर तेरे एने आपड़ कौन कहे देखो मु तो प्रथम किसी आप प्रतिक्रिया ना ये जो तमाम दर्शक जो मैंने फेरु सर आप खेल देखा आसी सैटिस्फाए अच्छा मैच को लेकिन आम 100% सैटिस्फाइड अच्छा आम मैच आम खेलाड़ी आम आरेंजमेंट आम एति कहू वर्तमान ओडिशा समग्र विश्व एक परिचय सृष्टि कला हॉकी ए हॉकी प्रति लोकंर जो ममता भलपाइवा निश्चिंत रूपे हॉकी ये गोटे ग्रेट खेल हम क्रिकेट समकक्ष न क्रिकेट को भी ओवरटेक कर निश्चित क्रिकेट को भी ओवरटेक कर ये तो खेल प्रेमी रोज आम आज किसी प्रतिक्रिया ना सर खेल देखा आसते दिलीप त्रिकी फोटो रही मतलब बहुत बड़ा प्रशंसक आप दिलीप त्रिकी इंडिया टीम आज खेल को लेकिन केटिस्फाए अच्छे बहुत बहुत खुश है हम लोग बहुत ज्यादा बहुत एक्साइटेड थे और इंडिया ने जीत हासिल किया बहुत अच्छा लगा देखो तो लिपि मुझको मो सहयोगी संग्राम मो सहित जोड़ी होती संग्राम आप खेल देखा आसते आपन भी देखते हैं एफआईएस प्रो लीग दल या बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आज कमी देखु पेनाल्टी कर्नर मिस हो फील्ड गोल मिस हो देखु ओलंपिक्स रे भारतीय दल ब्रोंज पदक पाई जो परफॉर्मेंस थिला से परफॉर्मेंस देखा पाइनि वेल्स पर गोटे दल जी जार कि खिलाड़ी केवल इंग्लैंड सहित खेलुं कि अन्य प्रोफेशनल एकाठी की आसचंती जो प्रदर्शन है भारत जीतला सत 4-2 गोल कि प्रदर्शन आसान रूपक नुहे आउ गोटे कथा हूँ भारत जदि 8-0 गोल 8-0 आज जीति था अंत जाता क्वार्टर फाइनाल को डायरेक्ट एवं ग्रुप इंग्लैंड गला टॉपर हो ग्रुप 2 रे रहा सी ग्रुप प्रदर्शन कर फर्स्ट ऑफ़ ऑल कंग्रेचुलेशंस इंडिया आम जीतलु सेटा फर्स्ट जिनस सैटिस्फैक्शन जो एक्सपेक्टेशन थिला जोटा कि 8-0 मार्जिन ले जो जीतिथांता वी डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर मींस क्वार्टर फाइनल सेटा हलानी बट ओवरऑल दिस इज गुड बट जोटा कहती इंग्लिश इज द लल बिफोर द स्टॉर्म जो हिसाब जो पैशन हिसाब से जो इंडिया खेलुला से पैशन जो कंटिन्यू करियो दे विल डेफिनेटली गो अचीव माइलस्टोन बंधु आमस भी सही प्रसंग हो दल पोडियम फिनिश करथला ओलंपिक रे किंतु जो दल आज प्रदर्शन करिछि ओलंपिक्स पर प्राय जो कहबा जो सीनियर खिलाड़ी रहितले ऑलमोस्ट समस्त रिटायर्ड नै जाइछन्थि सब नुआ खिलाड़ी होछन्थि युव खिलाड़ी को नै कि दल केते मात्रा रे आगु को जीवो ता ऊपर एबे बड़ प्रश्न सृष्टि करिछि दल युव खिलाड़ी को नै आगु को केते गति करबो जो टीम कोऑर्डिनेशन गैप देखा मिलूला जो दल सर आप खेल देखा आसते के खुशी भारतीय दल को लेकिन बहुत खुशी बहुत खुशी बहुत एंजय कले हाँ बहुत एंजय कले थैंक यू नवीन पटनायक देखो निश्चित मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर
मैडम मैच देखी लगे तो खुशी लगला भारत बहुत खुशी लगला बहुत खुशी लगला बहुत मजा लगला बहुत खुशी लगला ये मैडम भारत रो मैच देखी लगे तो खुशी लगु बहुत खुशी माने बहुत एक्साइटमेंट थला बहुत खुशी लगला एक्साइटमेंट अच्छी खुशी भी अच्छी समस्त मुहर से गोटे कथा भारत जीति 4-2 जीति भारत जीति वेल्स विपक्ष में इंग्लैंड स्कोर हो 5-0 स्पेन स्कोर हो 5-1 इंडिया स्कोर हो 4-2 जो इंडिया टू आशा कर 8 गोल कर डायरेक्ट क्वार्टर फाइनाल जीव कौटी ना कौट नैराश्यजनक प्रदर्शन रही कि दर्शक खुशी अच्छा कारण भारत मैच देखी भारत मैच देखे के बहुत खुशी भाई भारत मैच देखी बहुत खुशी सर मैच कमी मैच केमती थिला सब बढ़िया ही थिला बहुत बढ़िया खुशी बहुत खुशी इंडिया जीती गला भारत जीती गला समस्त खुशी ये होची प्रतिक्रिया सर खेल देखिया पई आसीले केते खुशी होचंदी भारतर प्रदर्शन को लेके बहुत खुशी क्रिकेट टू भी अधिक खुशी लागला क्रिकेट टू भी अधिक खुशी लागला ये खेल देखिया पई आसीले केते खुशी होचंदी ये देखु जंदु खेल देखिया पई आसीले केते खुशी होचंदी बहुत इंडिया विन ये देखु समस्त मोहर उडा हस अछि इंडिया जीतिछि 4-2 रे इंडिया जीतिछि मैडम केते खुशी होचंती इंडिया विन करिछि बहुत खुशी अछि बहुत एन्जॉय भी करली खेल को बहुत दिन पर माने इच्छा थिला देखिया पई आ मु निजे देखी छी बहुत खुशी लागुछि निश्चित रे बहुत खुशी इंडिया विन करिछि किंतु एबे भी सही प्रश्न एई दो केमिति आगु समस्त खुशी अछि होय तो आशानुरूप भारत तार प्रदर्शन करिनी किंतु वेल्स को केमिति मात दे भारत आगु को जाइछि तार एक चित्र सामना को आसुची बहुत बहुत धन्यवाद लोकनाथ आपण अधिक सूचना पई पारिवारिक विवादर छंदी होई पड़िछंती सुमधुर कंठस्वर रे गीत गाई घरे घरे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करथिबा कंठशिल्पी ह्युमान सागर ह्युमान को विरोध रे तांको पत्नी श्रेया मानसिक शारीरिक निर्यातना अभियोग आणिबा परे आज तांको थाना गुडाके पचराउचरा करिछि पुलिस सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन अनुसार आज प्रथमे उभय पति पत्नी को थाना को डाके काउंसलिंग करा जायछि किंतु ह्युमान को ससुर और श्रेया को वकील जेउ अभियोग आनी सत होते सांघातिक हेले अभियोग को खंडन करिछंती ह्युमान आउ सेपटे पालटा अभियोग आनी ह्युमान को मा ह्युमान को विरोध रे श्रेयांक सांघातिक अभियोग धर्म परिवर्तन पाई पकाउथिले चाप राति रे मद पिउथिले सकाळे क्षमा मागुथिले भल पाई बाहा हेले हेले एबे घरो हिंसा मामला रे थानार चक्कर काटुछंती कंठशिल्पी ह्युमान सागर और पत्नी श्रेया कटक महिला थाना रे मुहांमुही होइछंती कंठशिल्पी ह्युमान सागर और तांको पत्नी श्रेया पुलिस समन परे उभय थाना को आसीथिले तेबे मामलार समाधान पूर्वरु श्रेया और तांको बापा ह्युमान को नारे सांघातिक अभियोग आनिछंती श्रेयांको वकील कहिछंती धर्म परिवर्तन पई श्रेयांको उपरे चाप पकाउथिले ह्युमान एथिपाई राजी न होबारु श्रेयांको उपरे निर्यातना दिया जिबा आरंभ होइथिला तंटी चिपी मारिदेबाकु उद्यम होइथिला जौतुक पाई चाप पकाउथिले दुईटी किस्ती रे 15 लाख दिया जाइथिला सेपटे श्रेयांको बापा भी ह्युमान सागर विरोध रे सांघातिक अभियोग आनिछंती से कहिछंती राति रे मद पी श्रेयांको पाडौथिले सकाळे क्षमा मागुथिले अन्य झियांको सहित ह्युमानको संपर्क रहिछि समाधान न होबारु झियो 5 मास होला बाप घरे रहउछि डाउरी प्रोविजन एक्ट दिखाई तापर नारी निर्यातना से कहुई तापर ताकू जीवन मारदेप मत धमक माने चेष्टा कराई गोटे दिन गोटे रातिर तापर ताकू जबरदस्ती ख्रीस्टियन कर दिया पी धर्मांतरण करने जो चेष्टा करागला ड्रिंक्स कर मरामरी करूला से बद लास्ट इयर आम नहीं आसलु घर कोई कौन सी कंटाक्ट नहीं कि संपर्क नहीं किसी नहीं 5 मास से झील आम पाखे अच्छी अभियोग को खंडन कले ह्युमान कंठशिल्पी माँ भी आनिले पालटा अभियोग श्रेयांक वकील और बापा आनी अभियोग को खंडन करिछंती कंठशिल्पी ह्युमान सागर तेबे ह्युमान माँ को नुआ अभियोग घटना को भिन्न मोड़ देछि ह्युमान माँ सीधा सड़क अभियोग करिछंती श्रेया तांको बापा भाई और माँ मद पिउथिले एमाने ह्युमान को मद पियाउथिले श्रेया और ह्युमान उभयंकर भूल अछि बहु नारे जमी जागा किणिछि पुओ ह्युमान टंका को श्रेया तांको बापा को देइछंती ह्युमान सासुंक प्ररक्या प्रीति रहिछि
ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ସେ ବାପ୍ତିଜିମ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉ ମୋର ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ଗାଇଲି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରେସର କରିବି କାହିଁକି ପ୍ରେସର କରିବି ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥରେ ଏମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସିଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରେନି ଶାଶୁକୁ ଦେଖେନି ଛୁଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଥିବ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଡରୁ ଆରେ ଶ୍ରିୟା ମଦ ପିଏ ହଁ ଶ୍ରିୟା ମଦ ପିଏ ତା ମମି ମଦ ପିଏ ତା ବାପା ତା ଭାଇ ତା ଡ୍ରାଇଭର ମିଶିକି ପିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲା ଖାଉଥିଲା ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିବି ସେ ଖାଉଥିଲା ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପିଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଥାନାରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ 2 ଦିନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ମାମଲା ହେବ ଓ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆମେ କେବଳ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟାଇମ 2 ଦିନ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିସେସ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ କହିବେ ହ୍ୟୁମାନ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିସେସଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ମାନେ ଇଏ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବି ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଜଣାଇଲା ପରେ ଯାହା ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା ନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯେମିତି କୋର୍ଟ ଯେମିତି କେସ୍ ହେବା କଥା ହେବ ହେଇକି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଘରେ ହିଂସା ନେଇ ଉଭୟ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଓ ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ପରିବାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସତ କିଏ କହୁଛି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହେବା ସମ୍ଭବ କି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଭୟଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଓ ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଫିଲ୍ମକୁ କପି କରି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ କପି ଫିଲ୍ମ ଖୁସି ଓ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ କରି ବିବାଦକୁ ଡାକି ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ 31ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ନୂଆ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିବାଦଟି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କପି ଫିଲ୍ମକୁ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ନୂଆ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋପ୍ ଯାହାର ରିମେକ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଖୁସି ସେପରି ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଜଟ୍ଟା ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ରିମେକ୍ ହେଉଛି ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ ନାଁ ଅଲଗା ଭାଷା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସମାନ 31ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏହି 2ଟି କପି ଫିଲ୍ମକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏପଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 31ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାନି ମନୋନୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ରିମେକ୍ ହୋଇଥିବା 2 ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଖୁସି ଓ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍କୁ କୌଣସି ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମାଚାର ଯେଉଁମାନେ କପି କରିକି ସିନେମା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଜୁରିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୁରି ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ସେମାନେ କିଏ ମାଗାଜିନ୍ କରୁ କିଏ ଇଏ କରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସାପତ୍ର ଆଦାୟ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଠୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଭର ଷ୍ଟୋରି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁରି କରାଯାଏ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତି ଯାହାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଛବିରାଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବବି ଇସ୍ଲାମ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି
କହିଛନ୍ତି ଏପରି ଚୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୌଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୁରିମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ଥିଲେ ଅନିୟମିତତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୌଣସି ସେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଫିଲ୍ମ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫିଲ୍ମ କପି ହୋଇଛି। କହି ଆସୁଛୁ ବାରବାର, କିନ୍ତୁ ବବି ଇସଲାମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲେ ସେଇଟା ଯାହା ରାୟ ହେଲା ସେଇଟା ଭଲ ରାୟ ହେଲା। ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଅନେକ ବିଚାରଧାରା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଲୋକ ଆସୁନି। ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ବିଚାର କଲେ, ବିଚାର କରି ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ, କେତେ ଖୁସିର କଥା କହିଲେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଘେରରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଚୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହ ମନୀଷା ଦାସ, କଟକରୁ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଭୟଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କରାପୁଟ।